जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एबेक्सिया लाइफ केयर को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एबेक्सिया लाइफ केयर के बारे में बात करने इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें 5-5% का अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस अपर सर्किट के पीछे का असली खेल समझेंगे इस वीडियो में। आपको बताऊंगा कि इस अपर सर्किट के जाल में हमें फंसना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इस तेजी को देखकर इसमें तुरंत बाइक करने लगेंगे और ये बाइक करना उनके लिए कहीं जी का जंजाल न बन जाए। इसलिए इसके बारे में आज बात करना काफी जरूरी है। तो देख सकते हैं आप, एबेक्सिया लाइफ केयर का अभी शेयर प्राइस 1.71 रुपये के आसपास चल रहा है और जब इसमें तेजी देखने को मिल रहा है 5-5% का, तो काफी जल्द इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको 2 रुपए के ऊपर भी जाते हुए दिख सकता है। ऐसे देखेंगे आप तो एक सप्ताह में यह स्टॉक तकरीबन 3% के आसपास एक सप्ताह में भी चढ़ा है। देखिए, पहले ये कैसे इसका शेयर प्राइस झिकझिक कर रहा था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस चढ़ना शुरू हुआ और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से तो क्या शानदार अपर सर्किट में ही स्टॉक चल रहा है। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो तकरीबन ये स्टॉक आपको 10.5% से ज़्यादा टूटा है और पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में भी पहले क्या हो रहा था, काफ़ी गिरावट यहाँ तक देखने को मिला, ये जो फरवरी का एरिया, लेकिन फरवरी के बाद से इस स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिला और फरवरी के बाद स्टॉक चढ़ा भी, लेकिन अभी फिर इसके बाद डाउन जाने लगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर अब स्टॉक एक बार बुलंदियों की तरफ चढ़ते हुए आपको दिख रहा है। ये कमाल है जो अभी अपर सर्किट लगा है उसका। देखिए, अभी हम लोग आ गए हैं स्किनर की वेबसाइट पर और यहाँ पर हमने एबेक्सिया लाइफ केयर कंपनी का चार्ट ओपन किया हुआ है। एबेक्सिया लाइफ केयर के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चार्ट पर आ जाते हैं। देखिए, अभी आपके सामने इस कंपनी के 1 साल का चार्ट ओपन है और 1 साल के चार्ट पर कुछ बातें समझेंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे तो एबेक्सिया लाइफ केयर का ये जो 1 साल का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि प्राइस लगातार नीचे गिर रहा था, लेकिन क्या होगी फरवरी के बाद से प्राइस उठना शुरू हुआ। ये है फरवरी से प्राइस उठ कर आया। कहाँ तक? तकरीबन 2.5 रुपये तक प्राइस उठ कर आया था। ये 1 रुपये से 1.5 रुपये से भी नीचे आ गया था, यहाँ से प्राइस उठा और फिर आया 2.5 रुपये के आसपास, लेकिन इसके बाद फिर प्राइस नीचे आने लगा और अब देखेंगे तो फिर प्राइस बढ़ते हुए दिख रहा है। तो अभी इसमें तेजी आने के लिए क्या करना होगा कि ये जो एरिया है 2 रुपये का, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस जो प्राइस अभी जो ऊपर उठ रहा है, इसको उठकर आना होगा 2 रुपये के ऊपर और यहाँ पर आकर कुछ दिनों तक जब ये सस्टेन करेगा, प्राइस आकर ठहर जाए, तब मानेंगे कि इसमें फिर तेज़ी आ सकती है और उसके बाद जो प्राइस आएगा, आपको प्राइस इस लेवल के आसपास आते हुए दिख सकता है जहाँ पर इसने कई बार रेजिस्टेंस बनाया है। ये जो एरिया है तकरीबन 2.5 रुपये के आसपास का एरिया और इसको फिर पार करेगा तो फिर 3-4 रुपये तक एबेक्सिया लाइफ केयर का शेयर प्राइस जाते हुए दिख सकता है। ये मैंने टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको बातें बताई है। बाकी यदि कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर यदि आप एबेक्सिया लाइफ केयर कंपनी का कामकाज देखेंगे तो पहले तो ये जानिए कि पहले केबिट इंडस्ट्री के नाम से कंपनी जानी जाती थी, लेकिन बाद में कंपनी का नाम चेंज हुआ और एबेक्सिया लाइफ केयर इस कंपनी का नाम पड़ा। अभी ये कंपनी ट्रेडिंग करती है। किस चीज़ में ट्रेडिंग करती है? तो केमिकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में तथा इसके अलावा बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कंपनी ट्रेडिंग करती है। ट्रेडिंग करने का मतलब है कि उसके खरीद फरोख्त करती है कंपनी, उसको बाई एंड सेल करती है, उससे जो मुनाफा होता है कंपनी का उससे काम चलता है, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। अब देखिए, इसके फंडामेंटल थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो तकरीबन 106 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन, यानी कंपनी पेनी स्टॉक है। जैसा कि हम सभी को पता है, शेयर प्राइस बहुत कम है, 1.70 रुपये के आसपास चला, लेकिन अच्छी बात है कि बुक वैल्यू से ऊपर है इस कंपनी का शेयर प्राइस, क्योंकि सामान्यतः होना चाहिए, सामान्यतः किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ऊपर होना चाहिए। देखिए, आरओई बहुत कम है और आरओसी भी कम है, दोनों कम से कम डबल डिजिट में होना चाहिए, मतलब 2 डिजिट में होता है अगर आरओई और आरओसी तो उसे बढ़िया माना जाता है, लेकिन पीनी स्टॉक का आरओई और आरओसी सामान्यतः 2 डिजिट में देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर यदि आप कर्जा देखेंगे इस कंपनी के ऊपर, कर्जा कितना है, क्योंकि कर्जा कम होता है तो अच्छा होता है, क्योंकि कर्जा ज़्यादा होता है तो क्या होता है, कंपनी को फिर उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा देना होता है, तो इससे जो प्रॉफिट होता है वो कर्जा में ही चला जाता है। देखिए, ये है कर्जा, देखेंगे कर्जा अभी 2023 की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 9.87 करोड़ हो गया, जो कि पहले 2022 में 5.79 करोड़ था, यानी कि कर्जा बढ़ा है। हालांकि रिजर्व भी देखेंगे, ये है रिजर्व यानी कैश पैसा, तो रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए दिखा है, 18.98 करोड़ हो गया, जो कि पहले 18.52 करोड़ था। लेकिन बात यह है कि कंपनी का जो रिजर्व है ना, रिजर्व काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यदि कर्जे की बात करें तो देखेंगे कर्जा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, सीधे 5 करोड़ से यहाँ पर देखेंगे आप, 5 करोड़ से 9 करोड़ हो गया कर्जा, जबकि रिजर्व सिर्फ 18.52 करोड़ से 18.98 करोड़ हुआ है, यानी कि रिजर्व जो इस कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जबकि जो कर्जा जो डेप्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये उल्टा होना चाहिए, तब इसमें तेज़ी आएगी। अब देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट में आपको पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट से क्या होता है कि पता चलता है कि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं। तो इसमें सेल्स की बात करते हो, देखिए सेल्स तो बढ़ा है, दिसंबर क्वार्टर में 18.57 करोड़ हो गया, जो कि पहले 12 करोड़ था और उसके पहले 13 करोड़ था, उसके पहले और भी ज़्यादा था, लेकिन बीच में कम होने लगा, लेकिन अभी फिर बढ़ते हुए दिख रहा है, तो ये एक अच्छी संकेत है। इसके बदौलत यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट जो टैक्स देने के बाद बचता है, तो वह भी देखेंगे बढ़ा है, 1 करोड़ हो गया, जो कि पहले सिर्फ 29 लाख था और उसके पहले 1 लाख था और पहले माइनस में था, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कंपनी का जो डेप्ट है, जो कर्जा है, वह भी कम हो जाएगा, और एक बार जब कंपनी का कर्जा कम होगा तो फिर कंपनी के शेयर प्राइस में
और जैसे मैंने बताया टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से 2 रुपए के ऊपर ठहरेगा तो तेजी आएगी, तो वो काम इसमें होते हुए दिख सकता है, यानी प्राइस 2 रुपए के ऊपर आते हुए आपको दिख सकता है। तो देखिए एबेक्सेल लाइव के बारे में जो बातें मैंने बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसके बारे में बताने के लिए कुछ खास नया अपडेट नहीं है, जो है मैंने आपको बता दी। मन में कोई भी सवाल है तो उस कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।